يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہمارا یہ معاشرہ مختلف قسم کے اختلافات کا شکار ہے. بھائی ہیں تو بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہے، دوست اور برادری، پڑوسی، وہ اس سے ناراض ہے، وہ اس سے ناراض ہے. ان اختلافات کا ایک بنیادی سبب ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ کہ جس کا اللہ عز و جل نے حق رکھا ہے، ہم اس حق کو ادا نہیں کرتے. حقوق العباد، انسانوں کے انسانوں پر اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے حقوق، اس کے بارے میں ہم جیسے ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے اڑا دیتے ہیں. ہماری سوچ بھی یہی ہوتی ہے، دے دیا نہ دیا تو نہ صحیح. اس وجہ سے جب کسی کا حق مارا جائے، پھر آپ اس کے اندر دشمنی، غصہ، ناراضگی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور معاملہ قتل تک پہنچ جاتا ہے. اور کئی ایسے قتل کے کیس ہیں جب جس کی تحقیق کی جائے تو معاملہ آپس کے حقوق تک جا کر ختم ہوتا ہے. اس نے فلاں کا حق دبا لیا، نتیجہ تن لڑائی اتنی بڑی کہ معاملہ قتل و غارت تک آ گیا. تو اس معاشرے کی اصلاح کا بنیادی مسئلہ، معاشرے کی اصلاح کے طریقہ کار کے اندر یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم ہر انسان کے حق کو ادا کریں جو ہمارے اوپر ہمارے اللہ نے فرض کیا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ غور کرتے ہیں جو مسند احمد میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن تین طرح کے دفتر ہوں گے، لوگوں کے تین طرح کے نامہ اعمال ہوں گے، تین طرح کے دفاتر ہوں گے، تین طرح کے گناہ ہوں گے. ایک تو وہ جس کو اللہ عز و جل نے کبھی معاف نہیں کرنا، ایک گناہ تو ایسا ہوگا جو کسی صورت کے اندر بھی معاف نہیں ہوگا، اور وہ کون سا ہے؟ شرک کا گناہ.
ला यग़फिरु अन युशरक बिह। मालिक अज़्ज़ा वजल ने शिर्क के जुर्म को अल्लाह ने कभी माफ नहीं करना। यह पहला दफ्तर है जो इंसान इस हाल में पेश हुआ कि उसके नामा अमाल के अंदर गैर अल्लाह की इबादत है, गैर अल्लाह की पुकार है, गैर अल्लाह के लिए नजर नियाज है, गैर अल्लाह पर उम्मीद और भरोसा और तवक्कुल है, कब्रों पर सजदे हैं, कब्रों का तवाफ है, मुर्दों से मांगना है, या अली या हुसैन के नारे हैं, गले के अंदर तावीज पड़े हुए, या जिब्राइल और या मीकाइल के, या इसराफील के, या फुला और फुला के, तो ऐसा शख्स जो हालत शिर्क में मरा उसके अमाल में शिर्क मौजूद होगा, उसका ये गुनाह मालिक ने कभी माफ नहीं करना। और दूसरा वो है जिनको अल्लाह अज़्ज़ा वजल नहीं छोड़ेगा, दूसरा वो दफ्तर, वो हकूक जिसको अल्लाह नहीं छोड़ेगा जब तक बंदा ना छोड़ दे, वो क्या है? आप इसमें हकूकुल इबाद, बंदे के बंदे पर हक। इब्ने हब्बान के अंदर हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया जब सहाबा किराम हबशा से वापस आए तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने पूछा वहां की कोई अजीब बात तुमने देखी हो तो बताओ। गौर करना, गौर करना इस हदीस पर, यह हदीस बड़ी काबिले गौर है। एक ने कहा हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक औरत को देखा, एक बुढ़िया सर पे अपने सामान का टोकरा उठाए हुए जा रही, उसमें उसका सामान है। एक नौजवान अटकेलिए करता हुआ ओबाश उसके टोकरे पर हाथ मारता है, वो गिर जाता है, इसका सामान बिखर जाता है और ये बैठ के हंसने लग जाता है। बड़ा मजा आया, बड़ा लुत्फ उठाया, उसको छेड़ा, उसके आगे टांग अड़ा दी और वो बुढ़िया नीचे बैठ के अपने सामान को चुन रही है, अपने सामान को इकट्ठा कर रही है और कह रही है तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरबार लगेगा और उस दरबार के अंदर मैं तुझसे इस जुल्म का सवाल करूंगी। किसी का हक मारना, किसी पर ज्यादती करना, किसी पर जुल्म करना, यह मामला छोटा नहीं। सहाबी कहते हैं जो ही हमने अपनी नजरों को रसूलुल्लाह सल्लम के चेहरे पे डाला आपकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये सोच और ये फिकर कि अल्लाह के दरबार में अगर पूछ हो गई, पकड़ा गया तो क्या बनेगा, हमारे दिलों से अल्लाह बचाए तो बचाए गायब हो गई है। अगर किसी को कहो ना कोई किसी के पैसे ना दे रहा हो कि 10 रियाल मेरे दे दो वरना कयामत के दिन पकड़ लूंगा, तो कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं कि अच्छा अगर वहां हिसाब लेना है तो जेब में जितने हैं सारे दे दे, बजाय डरने के, बजाय कांपने के, बजाय तौबा करने के कहते अगर वहां हिसाब लेना है तो जेब में जो कुछ है वो मुझे अता कर दे। तो वो दिन कयामत का दिन, बदले का दिन, जिस दिन अल्लाह जालिमों से मजलूमों का हक लेकर उनको अता करेगा। सही मुस्लिम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लम की इस फरमान पे गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा मन ला माल लहू, जिसके लिए कोई माल नहीं, कोई दिरहम नहीं, कोई दीनार नहीं, ये मुफलिस है। कहा चल्ला, हरगिज नहीं, माल तो आज इसके सर पे, कल उसके सर पे, आज है कल नहीं, ये मुफलिस नहीं। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मुफलिस कौन है? दुआ करो अल्लाह हमें उन मुफलिसों में शामिल ना फरमाए। और सिर्फ दुआ से काम नहीं बनता, साथ दवा करो, गौर करो इस हदीस पे कि कहीं ये हदीस मेरे और आपके ऊपर फिट तो नहीं हो रही। कहा एक शख्स आएगा कयामत के दिन, नेकियों के अंबार, नमाजों के अंबार, नेक अमाल, सदका, खैरात, हज, ज़कात, सारा कुछ इसके स्टॉक में मौजूद है, लेकिन हालत क्या है? उसको मारा, उसको गाली दी, उसकी गीबत की, उसकी चुगली की, उसकी चोरी की, अल्लाह के दरबार में पेश होगा, लोग इसके दामन को पकड़ रहे होंगे, अल्लाह से सवाल करेंगे, अल्लाह इसने मारा था, इसने गाली दी थी, इसने चुगली की थी, इसने गीबत की थी, इसने तोहमत लगाई थी, बदला दे। मालिक कहेगा दे इनको बदला, तूने अपनी बहन का हक मारा, कितने हैं हम में से गिरेबानों में झांको जो बहनों के विरासत में से हक नहीं देते, कहते हैं या जमीन ले ले या भाई छोड़ दे, अगर हिस्सा लेगी तो भाई तुझसे सारी उम्र के लिए टूट जाएगा। वो बिचारी इंडिया पाकिस्तान की ओर कहती है चल भाई तू ना टूट, जमीन भाड़ में जा, तू खा पी जा सारी। कितने हैं जो इन हकूक को मारते हैं? मालिक कहेगा बदला दे, वो कहेगा अल्लाह कहां से दूं,
अगर माल होता मैं माल देके ने राजी कर लेता। मालिक अज़्ज़ा वजल फरमाएगा नमाज तूने पढ़ी, रोजा तूने रखा, जिक्र तूने किया, हज तूने किया, सदका तूने किया। फरिश्तों इन मजलूमों का हक और इसकी नेकियों को तोलते जाओ, उसके बराबर ये सारी नेकी इनको देते जाओ। लोगों की गीबतें करने वाले मुसलमान, लोगों की चुगली उठाने वाले मुसलमान, किसी का कर्जा दबाने वाले मुसलमान, किसी का माल झूठे तरीके से खाने वाले, किसी का हक दबाने वाले, बहन और बेटी को विरासत से महरूम करने वाले, हदीस पे गौर कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे तवज्जो कर। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह सारी नेकी खत्म होगी अभी।